सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल, और आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरे पास कई सारी क्वेरीज आती हैं कि उनके प्लांट्स जो हैं गर्मियों में बुरी तरीके से सूख रहे हैं या मर रहे हैं। एक्चुअली में होता ये है कि प्लांट्स जो हैं वो गर्मियों से नहीं सूखते, हमारे प्लांट्स जो हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं। होता ये है कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे हम ऊपर से तो हमारे प्लांट्स उस चीज़ को डील करते हैं, लेकिन रूट्स पर भी जो हम ओवर वाटरिंग बार बार कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि रूट्स जो हैं वो गल जाती हैं और प्लांट जो है वो हमारा मर जाता है। आप देख रहे होंगे मेरे पास ये जो है ये प्लास्टिक के पॉट्स रखे हुए हैं। प्लास्टिक के पॉट्स में मैं आपको बताऊं, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट की रूट में कभी भी आप पानी डालते हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप पहले उंगली डाल के चेक कर लें कि यदि उसमें पानी है तो बिल्कुल भी पानी ना दें। होता यह है कि गर्मी से भी हमारे प्लांट्स जो हैं वो अपनी लीव्स जो हैं उनकी जल जाती हैं या सन स्कॉर्चिंग हो जाती है, लेकिन जब हम रूट्स में उनको अननेसेसरी अनवांटेड पानी दे देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे उनकी रूट्स जो हैं वो पानी में पड़े पड़े गल जाती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का आभास ही नहीं होता। हम अपनी नियमित दैनिकचर्या के अनुरूप रोज़ के रोज़ पानी डालते जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आपके प्लांट्स की रूट्स अच्छी हैं, पत्तियाँ यदि जल गई हैं, गिर गई हैं, तो मौसम जैसे ही ठीक होगा तो आपका प्लांट जो है वो रिवाइव हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी ये देखें, आप मिट्टी के गमलों में कुछ पौधे रखें वो स्वस्थ है, लेकिन ये ग्रो बैग्स में ये जो पौधे लगे हुए हैं इनकी पत्तियाँ जो हैं येलो भी हैं, कुछ ड्राई भी हैं और कुछ जो हैं वो ख़राब भी हो गई या मर गई हैं। तो इसका कारण यही होता है, ग्रो बैग्स और प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उनमें वाटर इवोपरेशन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में या स्लो होता है। तो उस दौरान हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो सॉइल में जो जितनी भी नमी है या मॉइस्चर कंटेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी पानी डालते रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, हम शेड नेट भी लगा देते हैं, तो उससे होता है इवोपरेशन की जो कहना चाहिए तादाद है या क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो या रेट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से नमी जो है पौधों में कई दिनों तक बनी रहती है। यदि आप हर दूसरे या तीसरे दिन अपने पौधों में पानी देंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं मरेंगे नहीं। शेड नेट के नीचे भी आपने यदि रखे हुए हैं तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब तक ऊपर की 2 इंच की मिट्टी जो है वो सूख ना जाए, आप अपने पौधों को पानी मत दीजिए। अन्यथा होगा ये कि जड़ों में भी पानी है और ऊपर से भी हम पानी डालते जा रहे हैं, तो बेचारे पत्ते, ऊपर से भी धूप लग रही है, जड़ में भी पानी लग रहा है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे पत्ते साइड से धीरे धीरे जो है वो जलने लगते हैं या सूखने लगते हैं, और अल्टीमेटली जो है प्लांट जो है हमारे देख रहे हैं आप, ये इसीलिए हमारा प्लांट जो है ये मर गया है। तो मेरी एक फ्रेंड जो है इस चीज़ से बड़ी परेशान थी, उसने मुझे इस बार समर्स में अपने घर में इनवाइट किया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे प्लांट्स जो हैं अक्सर, आप ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से मरते हैं। कम पानी देने से आपके प्लांट सिर्फ मुरझाएंगे या पत्तियाँ जलेंगी, लेकिन यदि रूट्स अच्छी हैं तो आपका प्लांट जो है दोबारा से रीग्रो हो जाएगा। और कोशिश कीजिए, यदि आपने ग्राउंड लेवल पर अपना बगीचा बना के रखा है तो आप मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।